सड़क पर तड़प रही थी लड़की। ड्राइवर ने टैक्सी बेचकर इलाज कराया और बदले में लड़की ने किया। आज के समय में हर कोई जल्दी में है, किसी न किसी को कहीं न कहीं पहुंचना है। इसी जल्दी के चलते आए दिन हजारों एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसमें कई तो मौके पर ही मर जाते हैं और कुछ बेचारे सिर्फ इसलिए अपनी जान गवा बैठते हैं कि कोई उन्हें समय पर मदद नहीं करता। लोग फालतू पुलिस के चक्कर न काटने पड़े इसलिए मदद नहीं करते, पर अगर समय पर मदद मिल जाए तो किसी का अपना बच जाए। पर जरूरी नहीं कि सभी लोग ऐसे ही हो, कुछ लोग दयालु होते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लाए हैं जो बताती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। रोजमर्रा की तरह सड़कों पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था और एक लड़की सड़क पर जा रही थी कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। वो लड़की सड़क पर पड़ी थी और लोग उसको देखने के बाद भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे, सब देखकर आगे बढ़ गए। कौमे एक टैक्सी वाले की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो उससे देखा नहीं गया और वो लड़की की मदद के लिए तुरंत आया, लड़की को अपनी टैक्सी में डाला और हॉस्पिटल ले गया। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम राजबीर था। जब डॉक्टर ने देखा तो कहा कि इसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा 2.5 लाख रुपए आएगा। टैक्सी ड्राइवर की कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। समय कम था तो टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी बेचकर उसका इलाज करवाया। बता दे कि टैक्सी ड्राइवर का घर उसके टैक्सी से ही चल रहा था। लड़की का ऑपरेशन हो गया और उस लड़की को होश आ गया और वो अपने घर चली गई। ये लड़की सहारनपुर की थी जिसकी जान टैक्सी ड्राइवर ने बचाई और इसका नाम असीमा था। धीरे धीरे लड़की पूरी तरह ठीक हो गई तो उसने उस ड्राइवर से मिलने का सोचा और वो उसके घर पहुंच गई। वहां जाकर वो ड्राइवर से मिली और लड़की ने ड्राइवर को बताया कि मैं पढ़ाई करती हूँ और अब वो पूरी होने वाली है। लड़की को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाना था। लड़की ने कहा कि आप मेरे समारोह में जरूर आना। ड्राइवर परेशान था और उसके घर की हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि जो उसकी रोजी रोटी थी वो टैक्सी जा चुकी थी। फिर भी वो मना न कर सका और आने के लिए है कह दी। कार्यक्रम वाले दिन राजबीर अपनी माँ के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचा और जाकर पीछे बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ। राष्ट्रपति जी ने सबसे पहले असीमा का नाम लिया और गोल्ड मेडल के लिए बुलाया। असीमा मंच पर न जाने के बजाय सीधे अपनी मुंहबोले भाई राजबीर के पास गई और कहा कि इस मेडल का हकदार मेरा भाई है, और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। ये घटना सुनकर वे जो लोग थे भावुक हो गए। आसमा ने अपने भाई को एक टैक्सी दिलवा दी और वो उसके साथ ही रहने लगी। हमें भी राजबीर की तरह बनना चाहिए और किसी की मदद करने से पीछे ना हटे।